गया से बड़ी खबर है जहां 20 घंटे तक एनआईए की छापेमारी चली। पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर रेड हुई। रात 12:30 तक यह छापेमारी चली है। बता दें कि 1 करोड़ से ज्यादा कैश यहां से बरामद किया गया है। कई हथियार भी मिले हैं। कैश और हथियार को साथ टीम ले गई है। मनोरमा देवी ने कहा, कैश हमारे कंपनी का है और हथियार हमारे गार्ड का है। हमने कैश और हथियार के सारे कागजात एनआईए के सामने प्रस्तुत किए हैं। नक्सली कनेक्शन को लेकर एनआईए के टीम ने ये छापेमारी की थी। तो देखिए, करोड़ों में कैश बरामद हुआ है। यहाँ बता दें कि नोट गिनने की मशीन भी मंगाई गई। कैश और हथियार को साथ टीम लेकर के गई। बता दें कि रात के 12:30 तक यह छापेमारी चलती रही और 1 करोड़ से ज्यादा के कैश बरामद किए गए। वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अपनी सफाई भी दी गई है मनोरमा देवी की तरफ से। उन्होंने कहा कि कैश हमारे कंपनी का है, हथियार हमारे गार्ड का है। हमने कैश और हथियार के सारे कागजात एनआईए को दिए हैं। तो 20 घंटे तक की छापेमारी चली और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए ये कैश और हथियार अपने साथ ले जाती हुई एनआईए की टीम दिखाई दे रही है। रात के करीब 12:30 तक यह छापेमारी चली है जहां से 1 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ। तो देखिए, गया से ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां कल छापेमारी रेड की शुरुआत हुई। टीम तड़के सुबह कल पहुंची थी और करीब 20 घंटे तक ये छापेमारी चलती रही और इस दौरान पूछताछ भी की गई। बता दें कि मनोरमा देवी के जो पति स्वर्गीय, उनका कनेक्शन नक्सलियों से। और देखिए, हमारे साथ एलन लिली इस पूरी खबर पर न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। एलन, 1 करोड़ से ज्यादा कैश की बरामदगी, हथियार भी अपने साथ टीम ले गई है, मनोरमा देवी की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया, अभी अपडेट क्या है? देखिए, आपको बता दें कि करीब 30-20 घंटे तक ये जदयू के पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर एनआईए छापेमारी चलाया और देर रात तक ये 12:30 तक ये छापेमारी चली है। हालांकि जब एनआईए की टीम जब यहां से बाहर निकली तब मनोरमा देवी खुद बाहर आई और मीडिया से मैसेज बयान दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी कैश बरामद किए गए, हथियार बरामद किए गए हैं वो हमारे कंपनी के है और जो हथियार है वो हमारे गार्ड के है। सारे जो कागजात है वो हम एनआईए के सामने सौंप दिए। उन्होंने कहा कि हमारी कई बड़ी बिजनेस है, होटल है, ठेकेदारी है, उस सब जो पैसे जो रहते हैं वो प्रतिदिन का लाखों रुपए का लेबर को बांटा जाता है, वही पैसे जो है वो यहाँ पर रखे हुए थे और उसी पैसे को इन्होंने जब्त किया है। फिलहाल उन्होंने कहा कि हमें किसी जो विपक्षी पार्टी है, चूंकि ये राजनीतिक में भी है और उपचुनाव को लेकर के ये बेलागंज से भी वो लड़ने वाली है जदयू टिकट से। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं विपक्षियों की ये बड़ी साजिश हमें फंसाया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने साफ तौर से कहा कि जितने भी पैसे बरामद किए गए हैं वो हमारे अपने पैसे हैं, उनके सारे कागजात जो है हमने एनआईए को सौंप दिया है और जो हथियार बरामद किए गए हैं वो भी हमारे गार्ड्स के और उसके भी सारे कागजात जो है उन्होंने एनआईए को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि ये नक्सली कनेक्शन को लेकर के एनआईए की टीम जो है मनोरमा देवी के घर पर पहुंची थी। इनके जो पति है स्वर्गीय बिंदी यादव, वो पिछले 2016 में जो है उनके पास कई हजारों कारतूस जो है वो बरामद किए गए थे और बताया जाता है कि वो नक्सलियों को सप्लाई किए जाने थे, जिसको लेकर के उन पर मामला भी दर्ज हुआ था और देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। फिलहाल कहीं ना कहीं उस मामले को लेकर के भी एनआईए की टीम जो है इस पर कार्रवाई की गई थी और उस 2023 में औरंगाबाद में भी दो नक्सली गिरफ्तारी हुई थी, उस नक्सली गिरफ्तारी को लेकर बिल्कुल एलन तो बड़ी कार्रवाई एनआईए की। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए।